हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के राज्य में प्रबलता के साथ जाएं। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 11 उसकी 12 आयत में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में प्रबलता से प्रवेश किया जाता है। आपको अपने उद्धार में भी बने रहने के लिए जोर लगाना पड़ता है। आपको चिंगाई आशीष लेने के लिए भी जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो आपको अपने आप नहीं मिलती। जैसे जब एक छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो अपनी जरूरतों को रो रो कर बताता है, यानी वो हर चीज को प्रबलता से बताता है। जब आप दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो आप उसे आराम से या भाई कहकर नहीं निकालते, बल्कि आप उसे डांट कर निकालते हैं और वो आपकी डांट को समझ कर निकल जाता है। जिस चीज में आप जोर नहीं लगाएंगे वो चीज कभी भी फलवंत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप आराम से बैठे हैं तो फिर परमेश्वर भी आराम से बैठा है। जब आप 12 साल की लहू बहने वाली औरत के बारे में पढ़ते हैं तो 12 साल की लहू बहने वाली औरत अपने घर में नहीं बैठी रही कि काश प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते से चले जाएं, या मैं बीमार हूं और मैं चल नहीं सकती, लेकिन वो गई और यीशु मसीह के कपड़े को छुआ। जबकि प्रभु यीशु मसीह को छूना आम व्यक्ति के लिए मुश्किल था और बीमार व्यक्ति के लिए बिल्कुल असंभव था, लेकिन फिर भी वो गई और चंगाई को प्राप्त किया। वो प्रबलता से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हुई। मेरे प्रियो, हर चीज का एक मूल्य है जो महंगी और अच्छी है। आपको उसे लेने के लिए मूल्य अदा करना पड़ता है, क्योंकि जिस चीज के लिए आप अपना मूल्य अदा नहीं करेंगे या आप जोर नहीं लगाएंगे तो फिर आपके जीवन में कभी भी आशीषें नहीं आ सकती। आपको प्रार्थना करने के लिए भी जोर लगाना पड़ता है। आप जैसे ही प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो आपको कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो उसके राज्य को प्रभावित करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के राज्य में जोर के साथ प्रबलता के साथ प्रवेश करना होगा, तब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं हर प्रकार की रुकावटों से निकलकर आपके कामों को करूँगा और आपके राज्य में प्रवेश करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।